साझेदारी विषय प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, एक साझेदारी पीढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है, वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण 12,000 किया है। यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण की ब्याज की गणना कीजिए। इस सवाल पर ध्यान से देख सुनिए कि यहाँ पर यह वर्ष का अंत में दिया है, तो पहले तो वार्षिक आहरण पर हम ब्याज नहीं गिनते हैं, मासिक। तो यानी ये 12 महीने का है, कितना है 12,000, तो एक महीने का कितना है तो 12 से भाग दे देंगे, यानी 1,000 हमारा आहरण हुआ प्रति मास। उसके बाद ध्यान रखना है प्रति वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर प्रति मास के प्रारंभ में आहरण किया जाए तो 78/12 लिखते हैं, और अगर प्रति माह के मध्य में आहरण किया जाए तो 72/12 लिखते हैं, अगर प्रति मास के अंत में आहरण किया जाए तो 66/12 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग n बराबर 66/12 लेंगे, क्योंकि ये वर्ष के अंत में किया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है स्टेट की, तो वहाँ से देख सकते हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम गणना करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर उत्तर ज्ञात करते हैं। आहरण क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, आहरण पर ब्याज बराबर, यानी हम इसको आई से दर्शाते हैं। ओके, तो पी आर एन बट्टे में 100, आई बराबर होता है इंटरेस्ट ब्याज, और आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, एन बराबर नो ऑफ ईयर यानी समय, और पी बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आई बराबर पी कितना है, तो पी हमारा वार्षिक दिया था 12,000, तो मासिक कितना हुआ, 12 से भाग दिया तो 1,000 आ गया, और आर बराबर हमारे पास 12 था और बट्टे में 100 लिख देते हैं, और एन बराबर वर्ष के अंत में किया है इसलिए 66/12 लिखते हैं। तो 12 से 12 कट जाता है, 20 से 20 कट जाता है, 66 से 10 का गुणा करते हैं तो 660 आता है। इस तरह से ये पहला सवाल पूरा होता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है, उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमको यहाँ पर लाभ का प्रमाण नहीं दिया गया है, तो लाभ का प्रमाण नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर देते हैं 50-50 बांट देते हैं, और यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया, अनुपात। तो हम लोग इस अनुपात से ना बांटें, हमको 50-50 बांटना है, क्योंकि यहाँ पर लाभ का प्रमाण दिया गया नहीं है। और आपको ध्यान रखना है कि कमीशन हमको यहाँ पर दिया है, कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है, तो इसमें क्या करना है कमीशन घटाने के बाद, तो हमको यहाँ 8/ कितना लिखना है, तो 100 में 8 हम प्लस कर देंगे। जब भी इस तरह से दिया गया हो तो हम लोग क्या बोलते हैं 100 में जितने भी प्रतिशत दिया हो उतना हम लोग ऐड कर देते हैं, उसको बट्टे में लिखते हैं, यानी 8/108। ओके, अब सवाल करते हैं। इस तरह के सवाल बोर्ड की परीक्षा में 3 में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि कमीशन घटाने के बाद लाभ कितना है 100, और कमीशन कितना है 8% बोला है, बराबर, इसलिए कमीशन से के पहले का लाभ बराबर 100 प्लस 8 कर देते हैं, यानी 108 आ जाता है। ओके, अब हम जिसमें कमीशन कितना है, जिसमें कमीशन 8 है, आगे करते हैं। तो हम यहाँ पर कमीशन
कमीशन का सूत्र लिखते हैं, कमीशन बराबर लाभ गुणा कमीशन का प्रतिशत बट्टे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत बराबर। तो हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 96,876 दिया था, गुणा 6 करते हैं, सॉरी 8 करते हैं और बट्टे में 108 लिखते हैं, बराबर हमारे पास आता है 7,176 रुपए आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं कमीशन घटाओ लाभ में से, बराबर यानी वितरण पात्र लाभ बराबर, इस तरह से ये वाला लिखना, वितरण पात्र लाभ कुल लाभ माइनस कमीशन। तो कुल लाभ हमारे पास है 96,876 माइनस 7,176 बराबर 89 यानी कि 89,700 होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, तो अमृता को प्राप्त कुल राशि, तो इसका हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 44,850 यानी 2 भाग में बांटेंगे क्योंकि 2 साझेदार हैं इस लाभ में से, तो इतना आया। और हम लोग कमीशन में से, ये कमीशन है हमारा, तो टोटल मारते हैं तो 52,026 इसका आंसर आता है, तो अमृता को इतना रुपए मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।